आइए दोस्तों, आज आपको पंजाब के पुरातन गांव की सैर करवाते हैं। आपको लेकर चलते हैं साडा पिंड। साडा पिंड एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है पंजाब में। अमृतसर से 7 या 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पुरातन गांव का एक मॉडल बनाया गया है। गांव के कल्चर को एक ही जगह पर एक्सपीरियंस करना है तो साडा पिंड इज द बेस्ट प्लेस। सबसे पहले आपको सुंदर स्टैचूज मिलेंगे और उसके बाद मटकों से बने हुए फाउंटेन्स मन को लुभा लेते हैं। जैसे कि पंजाब के जो गांव थे बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न हो गया है सारा ज़माना, तो वो गांव जैसे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो पंजाब के उस कल्चर को शो करने के लिए, उसे संभाल कर रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एक मॉडल है साडा पिंड। तो देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा कॉट, जो पंजाबी में जिसे मंजा कहा जाता है, वो आपने देखा। और एक साइड पे जादूगर का शो चल रहा है। ये भी पंजाबी कल्चर का एक पार्ट था, पहले एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करते थे ऐसे शो। भोले भाले बच्चे जादूगर की चलाकियों को कभी समझ नहीं पाते थे, लेकिन आजकल के शैतान बच्चों को तो सारा कुछ पता चल जाता है। खूब एंजॉय किया हमारे ग्रुप मेंबर्स ने इस जादू के शो को। जादूगर भैया ने खूब बातों से लुभाया। अब शुरू हुआ मड हाउसेस में एंट्रेंस का सिलसिला। पंजाब में जो घर थे वो कच्चे हुआ करते थे, मड से बने हुए, गारे से बने हुए। उसके डिफरेंट मॉडल्स यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। चरखा, जो कि सोर्स कपड़ा बनाने का, सूत को काट कर कपड़ा बनाया जाता था, उसका मॉडल पिक्स करने के लिए रखा गया है। कैसे पुराने रूम्स का मॉडल, पुरानी चेयर, बेड पिक्स क्लिक करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये है मक्की की रोटी और सरसों का साग, जो हमारी टिकट में इंक्लूडेड है। कोई इसका हमें अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता जी। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं साथ में लस्सी और गुड़। यही चीज़ें थी पंजाब में उस टाइम लोगों को, जो खाने का मेन फूड था ये उनका। तो आज भी फेमस है मक्की की रोटी, सरसों का साग। बोलते ही पता चल जाता है कि पंजाब की बात होने लगी है। और ये है चलता फिरता थिएटर। उस टाइम ना तो बड़े बड़े सिनेमा घर होते थे, तो इसी तरह गलियों में आकर लोगों को सिनेमा देखने को मिल जाता था। ऐसे अंदर एक मूवी चलती रहती थी, पिक्चर होती थी, चलती थी, और देख के भोले वाले लोग बहुत ही खुश हो जाया करते थे। अमृतसर लिखा हुआ पिक्स करवाने के लिए बहुत ही सुंदर जगह। लंबी स्कूटर, जितने मर्जी लोग बैठकर इस पे पिक करवाइए। और ये है पुरातन गड्ढा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कार्ट। है मटकों से सजा हुआ एंट्रेंस गेट। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो रोमांच और भी बढ़ता ही जा रहा था।
एंट्रेंस के डिफरेंट नमूने यहाँ पे देखिए, कैसे चित्रकारी सारे घरों पे की हुई है। कच्चे घरों को लोग इतना सजा कर रखते थे ये दिखाने के लिए, इस तरह के मॉडल हुए हैं, बनाए गए हैं। देखिए किस तरह पंजाब के लोग सुंदर हुआ करते थे। और अब ये कशीदाकारी, फुलकारी अंकल के साथ सबने अपनी पिक करवाई, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। ये छोटी सी चारपाई, सजे हुए घर देखिए कैसे, ये सारा औरतें घरों को अपने हाथों से सजाती थी और डेली रूटीन में ये काम होते थे। हमारे भी बुजुर्ग बताते थे कि ऐसा हम रोज करते थे। ये हाथ से एम्ब्रॉयडरी की गई है, मेहंदी भी आप लगवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है पुराना एसी, इसी के सहारे लोग गर्मी काट देते थे। और ये चारपाई, सुंदर चादरें, पुराने टीवी, रेडियो, बहुत सी पुरानी चीज़ें, ये पुराने नलके, सब तरह के मॉडल आपको एक ही जगह पर वेपन हाउस खालसाई आपको देखने को मिलेगा। और ये है पुरानी खड्डी, वीवर्स हाउस। लोग हाथों से कपड़े बुनकर पहनते थे, ओढ़ते थे, वो सारा यहाँ दिखाया गया है। कठपुतली नाच लोगों के एंटरटेनमेंट का एक और सोर्स था उस टाइम में, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डोली सिस्टम उस टाइम में था, तो जिन लोगों ने ये टाइम देखा हुआ है वो इसे देखकर और भी खुश हो जाते थे, क्योंकि जिसने देखा है जब अपना टाइम याद आता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और बच्चे जिन्होंने ये सब देखा नहीं है तो उन्हें देख के हैरानी होती है कि हमारे फोर फादर्स किस तरह की वैल्यूज उनकी थी, कल्चर कैसा था, उनका रहने का ढंग कैसा था। आपको यहाँ पे डांस फ्लोर भी मिलेगा, अगर एक बार आप विजिट जरूर करो साडा बैंक का डांस का। तो इस तरह पंजाब के रिच कल्चर, सिंगिंग को आप, डांस को एंजॉय कर सकते हो। सारी विरासत को यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। पुराने झूले, पुरानी गाड़ी, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही समेट कर
रखी गई हैं। चक्की ही औरतें अपने खाने का इंतजाम करती थी। घर में आटा बनाया जाता था, झूले और ये मौत का कुआं भी देखने को मिलेगा। बाजीगर का शो मौत के कुएं में एक गाड़ी और मोटरसाइकिल। साथ में आपको फन गेम्स भी मिलेंगी। 750 रुपीस टिकट है, साथ में फन गेम्स खूब इंजॉय कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस देकर जितनी मर्जी फन गेम्स आप ले सकते हो। फुल ऑन पैसा वसूल हो जाता है यहाँ पर, खूब इंजॉय करते हैं। पॉटर हाउस कुम्हार ने कमाल किया। अब हम बुला रहे हैं बॉलीवुड की मकान। घरों में बर्तन बनाए जाते थे तो उसको पेश करता हुआ मॉडल है ये भी एक। जादुई बातें करने वाले ये भैया। मिस्टर अर्जुन कपूर। और ये है पंजाब के पॉपकॉर्न, जो आज के नहीं है, ये पुराने टाइम के हैं। इस तरह की भट्टी में इनको बनाया जाता था वो दिखाया गया है। आजकल तो मशीन में बनाकर फटाफट दिए जाते हैं, तो ऐसे पॉपकॉर्न लोग खाते थे तो हेल्दी थे। ट्रैक्टर राइड ये भी आपके टिकट में इंक्लूडेड है। अगर पंजाब के लाइफस्टाइल, पुराने लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करना है तो साडा पिंड बेस्ट प्लेस है। दूसरी स्टेट से आने वाले टूरिस्ट पंजाब के पुराने कल्चर को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ही जगह पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। गतका बहुत ही सुंदर ये खेल यहाँ पे दिखाया जाता है, बहुत ही अच्छे करतब। कितना जोर चाहिए इसके लिए, ये लोहे के गोले हैं।
ये देखिए डांस, बैम्बू डांस, एंजॉयमेंट फुल है यहाँ पर। हंसना खेलना तो पंजाब के लोगों का जैसे स्वभाव ही है। ये रस्सी पर चलते हुए देखिए, उस टाइम में कोई ना टीवी था ना थिएटर्स थे, तो लोग इसी तरह से अपना मनोरंजन करते थे। रहने का ढंग सिंपल था, लेकिन उनके मनोरंजन के साधन काफ़ी खतरनाक थे उस टाइम में। घोड़ा लिया था। और कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऐसे खेलों के लिए, तो उस टाइम ये खेल आम हुआ करते थे। आजकल तो कभी कभी सर्कस में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन पंजाब में ऐसी चीज़ें आम थीं। लेकिन आजकल ये सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, तो उस कल्चर को जीवित रखने के लिए ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस अब बारी थी खाने की। इसमें बफे स्टाइल फूड आपको मिलेगा, जिसमें दो दालें, पालक कॉर्न की एक सब्जी थी, एक पनीर की सब्जी, राइस, दही भल्ला और पापड़, सैलड वगैरह इंक्लूडेड है। एक मील हमको अपनी टिकट पर मिलता है, या तो लंच या डिनर, आप जितना मर्जी अपने आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस फूड था, और हॉल में अंदर डेकोरेशन देखने लायक थी। सारी लाइट्स वगैरह जो थी वो ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ करके बनाई गई थी, जैसे कि मिल्क की केन्स थी इसमें, और भी कई तरह की वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके डेकोरेशन की गई थी। पुरानी पंखियाँ और धान छानने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको यूज़ किया गया था। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, खाना भी बहुत ही डिलीशियस था। तो इस तरह ये हॉल देख के लगता था कि किसी ट्रेडिशनल प्लेस पे हम आ गए हैं। सब ने फूड खूब इंजॉय किया, कब से घूम रहे थे बच्चे, भूख लगी हुई थी, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया ढंग से खाना परोसा गया था। तो इस तरह साडा पिंड में 750 की टिकट में एक मील है, और जैसे कि पहले बताया, मक्की की रोटी, सरसों का साग और बाजरे की खिचड़ी, गुड़, लस्सी और चना और मट्ठी, ये सारा इस टिकट में इंक्लूडेड ही है। मील एक है, लेकिन बाकी चीज़ें आप जितनी बार मर्जी इंजॉय कर सकते हो। ये बाहर का व्यू है, मटकों में लाइट्स लगाकर डेकोरेशन की गई हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर साडा पिंड का ट्रिप बहुत ही बढ़िया ट्रिप है, सबको एंजॉय करना चाहिए यहाँ पर जाकर पंजाब। एक यहाँ पर ये 3D कॉर्नर भी बनाया गया है सेल्फीज़ लेने के लिए, क्योंकि आजकल सेल्फ़ी का ज़माना है, तो सब ने यहाँ पर सेल्फीज़ ली, 3D पिक्स ली। ये एक मिरर था, मैजिक मिरर, डिफरेंट शक्लें इसमें दिखाई देती थी। बच्चों ने यहाँ पे खूब फन किया, सेल्फीज़ ली हमने। तो इस तरह बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, सारा कुछ यहाँ पर एक जगह पे मिल जाता है हमें। ये कुआं जो पहले पानी यहाँ से भर के औरतें घरों के काम करती थी,
उसका मॉडल बनाया गया है। लोगों ने खूब मस्ती की यहाँ पर, पानी भर के देखा हमने भी कि कैसे लाइफस्टाइल होगा उस टाइम, औरतें कैसे काम करती होंगी कुएं से पानी भर के। सारे व्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इस तरह साडा पिंड को देखने के लिए 5-6 घंटे का टाइम होना आपके पास ज़रूरी है। आपको लगभग आधा दिन यहाँ पर स्पेंड करना चाहिए। तो इस तरह हमारा ये ट्रिप बहुत ही बढ़िया रहा। आई होप कि आपने भी खूब इंजॉय किया होगा। तो इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग। थैंक्स।